दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, हमारी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा। इस यूनिवर्स में जहाँ देखो वहाँ आपको स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स और ना जाने क्या क्या देखने को मिलता है। मतलब जहाँ देखो वहाँ मैटर प्रेजेंट है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस यूनिवर्स में कहीं ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जो बिल्कुल ही खाली हो? मतलब एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कुछ भी ना हो, ना स्टार्स, ना सोलर सिस्टम्स और ना ही गैलेक्सीज, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वीरान। और मैं यहाँ कोई छोटी मोटी खाली जगह की बात नहीं कर रहा, बल्कि लाखों प्रकाश वर्ष के एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जगह भी हमारे इस यूनिवर्स का अहम हिस्सा है और इन खाली जगहों को हम कॉस्मिक वॉइड्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये कॉस्मिक वॉइड्स होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। इतना ही नहीं, हम आपका परिचय यूनिवर्स के सबसे बड़े कॉस्मिक वॉइड से भी कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक कमाल के ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, नॉक सिक्योरिटी ऐप। नॉक सिक्योरिटी एक ऐसा ऐप है जिसे आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक एंटीवायरस ऐप है जिसे ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां इस बड़े से स्कैन पे क्लिक करते ही ये आपके स्मार्टफोन में छिपे सारे वायरस और थ्रेट्स को आसानी से खोजकर आपके स्मार्टफोन को सुरक्षित कर देगा। इसके अलावा इसमें ऐप लॉकर की सुविधा भी है, जिसे आप आसानी से अपने पर्सनल ऐप्स पे लॉक लगा सकते हो। यहाँ आप पैटर्न लॉक या पिन लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका फोन गेम खेलते वक्त हैंग या लैग करता है तो इस ऐप में उसका भी हल है। मेमोरी बूस्टर, मेमोरी बूस्टर पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड में चल रहे अननेसेसरी ऐप्स को रोककर अपने फोन के रैम को बढ़ा सकते हैं, जिसे आप आसानी से बिना लैग के गेम्स खेल सकते हो। तो गाइज, इस कमाल की ऐप को एक बार जरूर डाउनलोड करके देखनी चाहिए। तो नॉक सिक्योरिटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पर क्लिक करके ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, कॉस्मिक वॉइड्स गैलेक्सी फिलामेंट्स के बीच के उन विशालकाय खाली जगहों को कहते हैं जहां बहुत कम या ना के बराबर गैलेक्सीज होती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि फिलामेंट क्या है, उनको बता दूं कि फिलामेंट सुपर क्लस्टर्स और ढेर सारी गैलेक्सीज के ग्रुप को कहते हैं, जो 20 से 50 करोड़ प्रकाश वर्ष तक के एरिया में फैले हुए होते हैं और जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि वॉइड्स एक तरह से अलग अलग फिलामेंट्स को सेपरेट करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल खाली नहीं होते, बल्कि इसमें कुछ गैलेक्सीज हो सकती हैं। दरअसल ये ऐसी जगहें होती है जहां बाकी के यूनिवर्स के कंपैरिजन में एवरेज डेंसिटी 10 गुना कम होती है। यहां आपको ये भी बताता चलूं कि यूनिवर्स में किसी भी रीजन के एवरेज डेंसिटी को मापने के लिए वहां के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैलेक्सीज को गिना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कॉस्मिक वॉइड्स की खोज सबसे पहले कैसे किया गया था। ये कहानी शुरू होती है सन 1970 के दशक से। उस समय एस्ट्रोनॉमर्स रेडशिफ्ट सर्वेज से यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। रेडशिफ्ट सर्वेज का सीधा सा मतलब होता है यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट के वेवलेंथ से उसका मैप तैयार करना। खैर, साइंटिस्ट गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट सर्वे से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ गैलेक्सीज हमसे कितनी स्पीड से दूर जा रही है। उस दौरान उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक सा नहीं है। कुछ गैलेक्सीज काफी पास है तो कुछ गैलेक्सीज काफी दूर दूर है, और कहीं कहीं तो एक ही जगह पर ढेर सारी गैलेक्सीज मिल जाती है। सन 1978 में स्टीफन ग्रेगोरी और लैड ए थॉम्सन ने दो रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, जहां हमें सबसे पहले वॉइड्स का रेफरेंस मिलता है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि साइंटिस्ट ने कौन कौन से वॉइड्स की खोज कर ली है और वहां उन्हें क्या क्या मिला है, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये वॉइड्स बने कैसे थे। तो गाइस, वॉइड्स की कहानी भी यूनिवर्स की तरह ही बिग बैंग से शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग जब बिग बैंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही आता है कि बिग बैंग के दौरान मैटर यूनिवर्स में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन शुरू हुआ वो भी सभी जगह बिल्कुल सेम रहा होगा। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, अगर हम एक छोटे स्केल पर बात करें, जैसे कि मिल्की वे या फिर कुछ गैलेक्सीज का एक लोकल ग्रुप, तो ये बात कुछ हद तक सच लगता है।
लेकिन जब हम कई हजार करोड़ प्रकाश वर्ष के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। इस पॉइंट को विस्तार से जानने के लिए आपको अंतरिक्ष टीवी के टाइम मशीन में बैठना होगा, क्योंकि अब हम आपको उस समय में ले जा रहे हैं जब बिग बैंग को हुए कुछ सेकेंड्स ही बीते थे। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स का सारा मैटर अभी बेहद गर्म प्लाज्मा के फॉर्म में है। इस समय इस मैटर की डेंसिटी लगभग सेम ही है, लेकिन फिर शुरुआत होती है बैरियन एकोस्टिक ऑसिलेशंस की। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्रेजेंट सारे मैटर को बैरियोनिक मैटर कहते हैं, और बैरियन एकोस्टिक ऑसिलेशंस वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो इस मैटर की डेंसिटी को चेंज कर देती है। ये वो साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस थी जो बिग बैंग के दौरान एक्सप्लोजन में क्रिएट हुई होंगी। इन वेव्स ने उस सुपर हॉट प्लाज्मा मैटर की डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और यहीं से शुरुआत हुई वॉइड्स की। उस दौरान डेंसिटी में जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे, लेकिन अब जब यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स का हो चुका है और लगातार एक्सपेंड कर रहा है, तो वो छोटे छोटे डिफरेंसेस भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। जहां पर मैटर की डेंसिटी हाई थी वो आज फिलामेंट्स है, और जहां डेंसिटी लो थी वहां वॉइड्स। दोस्तों, क्या आपको पता है आज हमारे यूनिवर्स में फिलामेंट से ज्यादा बड़े तो वॉइड्स ही हैं, और क्योंकि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर ही रहा है तो फ्यूचर में ये वॉइड्स और भी बड़े होने वाले हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये वॉइड्स आपस में मिल जाएंगे और फिलामेंट्स की अलग अलग गैलेक्सीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स टूट जाएगा। उस समय ये गैलेक्सीज यूनिवर्स में वैसे ही अलग अलग बट जाएंगी जैसे समुद्र पर समुद्र के बीच आइलैंड्स होते हैं। तो गाइज, अब जब हमने कॉस्मिक वॉइड्स के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हैं, तो अब हम यूनिवर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्मिक वॉइड्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस सफर में सबसे पहले बात करते हैं बूटेस वॉइड की। बूटेस वॉइड, ये नाम आपने पहले भी जरूर सुना होगा। ये वॉइड यूनिवर्स के सबसे बड़े वॉइड्स में से एक है, और ये हमारी धरती से करीब 70 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। बूटेस वॉइड का डायमीटर 30 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसे सबसे पहले सन 1981 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट क्रिस्नर ने खोजा था, और तब से लेकर अब तक इस विशालकाय वॉइड में सिर्फ 60 गैलेक्सीज का ही पता लग पाया है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस वॉइड की डेंसिटी को देखते हुए इसमें कम से कम 2000 गैलेक्सीज तो होनी ही चाहिए थी। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि अगर ये वॉइड हमारी धरती से इतनी दूर है तो उसे ऑब्जर्व कर पाना कितना कठिन होता होगा, और जितने समय में वहां से लाइट ट्रेवल करते हुए यहाँ धरती तक पहुंची होगी उतने में तो शायद इनमें से कई गैलेक्सीज खत्म भी हो गई होंगी। अब बात करते हैं यूनिवर्स में अब तक के खोजे गए दूसरे सबसे बड़े वॉइड की, जिसे हम जायंट वॉइड या कैनिस वेनेटिसाई सुपर वॉइड के नाम से भी जानते हैं। इसे सन 1988 में डिस्कवर किया गया था, और ये हमारी धरती से लगभग 150 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर यूनिवर्स के उस रीजन में है जिसे हम नॉर्दर्न गैलेक्टिक हेमिस्फीयर या NGH कहते हैं। इसका डायमीटर 130 करोड़ प्रकाश वर्ष का है, और इसके अंदर केवल 17 गैलेक्सी क्लस्टर्स को ही खोजा गया है। इन पर की गई स्टडी से ये पता चला है कि इन गैलेक्सी क्लस्टर्स के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ना के बराबर है। वैसे यहाँ आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि सारे वॉइड्स में गैलेक्सीज तो होती ही है, इसके अलावा गैस, डस्ट और डार्क मैटर सब कुछ प्रेजेंट होता है, बस उनकी डेंसिटी बाकी के यूनिवर्स के कंपेरिजन में कम होती है। तो गाइज, अब समय आ गया है कि मैं आपको यूनिवर्स के सबसे बड़े वॉइड के बारे में भी बताऊं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इसके बारे में जानकर आपको शॉक लगने वाला है। ज्यादा सस्पेंस को ना बढ़ाते हुए चलिए जानते हैं। यूनिवर्स में आज तक का डिस्कवर किया गया सबसे बड़ा वॉइड है KBC वॉइड, जिसे लोकल होल भी कहा जाता है। इस वॉइड का नाम KBC इसलिए है क्योंकि इसकी डिस्कवरी साल 2013 में रियान कीनन, एमी बार्गर और लेनोक्स कोवी नाम के तीन वैज्ञानिकों ने की थी। इसका टोटल डायमीटर 200 करोड़ प्रकाश वर्ष का है, और धरती से इसका डिस्टेंस है 0। क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थ से इसका डिस्टेंस 0 कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, असल में हमारा मिल्की वे और हमारा लोकल ग्रुप भी इसी वॉइड के अंदर ही आता है। जी हाँ, ऐसा माना गया है कि हमारे मिल्की वे इस वॉइड के सेंटर से कुछ ही करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब यार, हम खुद एक वॉइड के अंदर रह रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना? तो गाइज, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कॉस्मिक वॉइड्स के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपके नॉलेज को भी बढ़ाया होगा।
वैसे आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान जो इस विशाल असीम ब्रह्मांड के एक छोटी से प्लैनेट पर बैठे हैं, वो अपनी बुद्धि के दम पर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। मतलब यार, हमने यूनिवर्स में कितना कुछ खोज लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। तो गाइस, ब्रह्मांड के खोज के इस जर्नी में आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।